शहर की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है, वहीं अपराधी खुलेआम बीच बाजार वारदातों को अंजाम दे बेखौफ घूम रहे हैं। आज पुणे दोपहर को शहर के व्यस्तम चौक सिटी कोतवाल थाना क्षेत्र अंतर्गत अस्पताल चौक में सिटी मेडिकल के सामने दीपक बंसल नामक युवक को अज्ञात बदमाशों ने चाकू घोंप कर घायल कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर हालत में दीपक को संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जिसका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल अपराधी की खोज में जुटी हुई है। प्रस्तुत है जल की एवं उमेश अग्रवाल से जानकारी के अंश। एक 12 बजे करीब यहाँ पे मैं ऑफिस में बैठा था और गाली गलौज की आवाज़ आई, तो वहाँ गया मैं पीछे, तो देखा तो दीपक लड़का जो हमारे यहाँ काम करता है वो पड़ा हुआ था ज़मीन में। तो पहले समझ नहीं पाया कि मैं क्यों पड़ा है, क्या कैसा है। बाद में देखा तो खून निकल रहा था, फिर पता चला कि चाकू लग गया है, और जो चाकू मारा था वो चाकू लेके खड़ा था और गाली गलौज कर रहा था। एक लड़की भी उसके साथ? लड़की को तो मैंने नहीं देखा भैया, सीसीटीवी कैमरे में भी आया है, आया है, पर मैंने अपने प्रत्यक्ष नहीं देखा क्योंकि मैं थोड़ा देर बाद गया। मुझे लगा होगा कोई बहस हो रही होगी ऐसे ही। सर, क्या उस लड़के को आप पहचान पा रहे हैं? सर, मेरा पूरा ध्यान दीपक में चला गया। मैं मुड़ के पहले सबसे पहले दीपक को पकड़ा, दवाई मंगाया, उसका घाव साफ किया और उसको पट्टी करी पहले हमने। जब उसका ब्लड रुक गया तो ऑटो बुला के उसको तुरंत, पहले मैंने प्राइवेट में कोशिश की क्योंकि यहाँ कोविड है, तो प्राइवेट में जब मना कर दिया तो फिर मैंने उसको हॉस्पिटल में खुद गया, पर्ची बनवाया और उसको एडमिट कराया। नाम क्या आपका? उमेश अग्रवाल।